लेकिन विवाह के बाद तो ये बिल्कुल बदल गया है। अब कहता है इसकी बहू और ये दोनों ही कहते हैं कि तुम क्यों पड़े हो यहां, जाओ यहां से, कमरा घेरे पड़े हो, थूकते हो, खखारते हो, क्या जरूरत है तुम्हारी, भागो यहां से, जाओ। तो गालियां और अपमान तो बहुत समय से कर रहा था, गाली दे रहा था, अपमान कर रहा था, आज तो उसने पिटाई की और उस पिटाई में उसकी समर्पिता पत्नी ने भी सहयोग किया, माने उस पिटाई में बहू ने भी अपने पति का, सहधर्मिणी है ना, इसलिए सहधर्मिणी के धर्म का निर्वाह करते हुए उसने भी पिटाई की, बहू बेटा दोनों ने पीटा है और हमको घर से निकाल दिया, दरवाजे पर बैठा हूं, बोलो अब इस बुढ़ापे में कहां जाऊं। महात्मा बोले चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो हमारे कुटिया पर चले चलो और वहां कछु झाड़ू बुहारू कुछ तुम पे जो बने उतना कर लेना, लगा लेना, स्थान को साफ रखना, और हम दो रोटी मांगने जाते हैं, दो चार रोटी और दो चार घर से मांग लाएंगे, तुमको ये भी श्रम नहीं करना पड़ेगा, रोटी मिल जाएगी, भजन करो। इतना सुनते ही वह वृद्ध बोला कि अरे हम कोई भूखे नंगे घर के हैं जो घर छोड़ के बाबा जी बन जाए जंगल में चले जाएं? हाँ, एक भ्रम त्याग दो, भूखे नंगे घर के लोग बाबा जी नहीं बनते, भूप राज तज होई विरागी, बड़े बड़े राजकुमार भी घर छोड़कर विरक्त हो जाते हैं। एक से एक पढ़े लिखे विद्वान संतों में मिलेंगे आपको, बड़े से बड़े अधिकारी मिलेंगे, सब कुछ त्याग करके भजन में लग जाते। भैया जिस भाग्यशाली जीव की समझ में आ जाता है कि मानव जन्म मिला किस लिए है, मानव जन्म का फल क्या है, उसका जीवन वैसा बन जाता है, फिर संसार में उसको कहीं प्रीति रहती नहीं। मैं चला जाऊंगा तुम्हारे साथ तो मेरी बदनामी होगी, मेरे पुत्र की बदनामी होगी, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। महात्मा बोले फिर हमारा समय क्यों खराब किया तुमने, फिर रो क्यों रहे हो? गृहस्थ बोला अपना रास्ता नापो बाबा जी। क्यों? बोले तुम्हें क्या पता, तुम तो बचपन में साधु बन गए, पुत्र के हाथ से पीटने में भी एक सुख होता है। मैं अपने मन में सोच लेता हूं कि बेटा है तब न पीट रहा है, न होता तो कौन पीटता है। ये है संसार की स्थिति, चाहे जितना कष्ट सहन करे, नारकीय पीड़ा को सहन करके भी जीव के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। भैया ये वैराग्य कैसे होगा? ये वैराग्यवान संतों का संग करने से होगा, विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता। और विवेक कैसे होगा? बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब सत्संग कब मिलता है? बोले अब मोही बा भरोस हनुमंता, अब मोही बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा कृपा कर दे ही,
जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, तेहि दरस परस समागम अधिक पाप राशि न साइए, दरस परस समागम अधिक पाप राशि न साइए। अब तीसरा श्लोक, कस्तम प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्थाक्लेशदा गृह। कहते ऐसे मोहवय आत्मबंधन को स्वीकार करना कौन पंडित चाहेगा, कौन बुद्धिमान विद्वान पुरुष आत्मा का बंधन चाहेगा, ये तो आत्मा के लिए बंधन ही है। इसलिए मैं तो यही समझता हूं कि उन लोगों ने विशेष उपासना भगवान की है जिनके कोई संतान नहीं हुई पूर्व जन्म में, निर्द्वंद होके भजन तो करें। अब आगे जो अंतिम गीत की जो पंक्तियां हैं वो और विचित्र है, चौथा श्लोक जो है वो और विलक्षण है। अंग कह रहे हैं कदपत्यम वरम मन्ये, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्युचाम पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। कहते हैं कि यदि पुत्र भाग्य में लिखा ही हो के होना ही है, पहली बात तो न हो तो अच्छा भगवान की कृपा, और मान लो पुत्र भाग्य में लिखाई के होना ही है तो अंग महाराज कहते फिर सुपुत्र ना हो कुपुत्र ही हो। लोग कहेंगे बड़ी विचित्र बात है भाई, लोग सुपुत्र चाहते ये कहते कुपुत्र हो। कहते हैं कदपत्यम वरम मन्ये, मैं कुपुत्र को अच्छा मानता हूं। क्यों? कहते इस गृहस्थाश्रम से वैराग्य होना बहुत कठिन है, चाहे जितनी प्रतिकूलताएं हो फिर भी मन हटता नहीं है, तो कम से कम कुपुत्र बड़ा सहयोगी बनता घर छुड़ाने में। यदि बेन सुपुत्र होता तो उसी के मोहबंधन में हम वहीं पड़े होते, और यह कुपुत्र हो गया तो हम महात्माओं की शरण में आ गए। हमारे महाराज जी कहते थे कि अंग महाराज जब जंगल छोड़कर राज्य छोड़कर जंगल में चले गए, महात्माओं के पास पहुंचे तो महात्माओं ने कहा कि अरे महाराज आपने क्या किया? बोले अब सब छोड़ के आ गए, अब नहीं जाना है। अच्छा, तो हम लोग अनुभव को मान्यता देते हैं, निज अनुभव में कहूं खगेसा, संत अपने अनुभव बताते हैं, तो आप भी सज्जन हैं, साधु हैं, संत ही हैं, आपने इतने दिन में शासन में रहकर गृहस्थाश्रम में रहकर क्या अनुभव किया? तो महाराज जी कहते थे ये चार श्लोक उन्होंने अपने अनुभव के सुनाए। महाराज हमारा तो यही अनुभव है, यदि बेन सुपुत्र होता तो हम भजन करने नहीं आते, कुपुत्र था इसलिए आपकी शरण में आ गए। महाराज जी लौट करके नहीं गए, और प्रजा ने खोजने का प्रयास किया लेकिन अंग महाराज मिले नहीं।
जो प्रकाशित होना चाहता है वो तो गुफा में बंद होने के पहले भी 10-5 हजार पर्चा बंटवा देगा कि हम इतने दिन के लिए गुफा में बंद हो रहे हैं, और जो छिपना चाहता है उसको कोई खोजने वाला नहीं है। महात्माओं की प्रवृत्ति जो होती है वो आत्मसंगोपन की होती है। आज एक बड़ा मंगलमय दिवस है, आज भारतवर्ष की एक महान रस सिद्ध विभूति जिनका चित्त निरंतर रस महाभाव सिंधु में ही निमग्न रहता था, ऐसे पूज्यपाद श्री राधा बाबा महाराज, उनकी आज तिरोभाव तिथि है। आज के दिन ही उन्होंने निकुंज गमन किया था। हमने प्रत्यक्ष दर्शन तो पूज्य राधा बाबा का नहीं किया, यद्यपि वे हमारे काल में विराज रहे थे और उनका यश भी खूब सुन रहे थे, पर योग नहीं था। हमारे पूज्य गुरुदेव भी बाबा के चरणों में अगाध श्रद्धा रखते थे। अब इतनी श्रद्धा रखते थे कि महाराज जी ने एक संस्मरण सुनाया था कि एक बार लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित जी महाराज के निकट बैठे थे, तो किसी प्रसंग में पंडित जी ने कहा, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि इस समय श्री राधा बाबा महाराज एक महान अनुभवी प्रेमी संत हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े महान सिद्ध भक्तों को जो अनुभूतियां हुई हैं, उन अनुभूतियों को बाबा अपने शरीर से प्राप्त कर रहे हैं। पंडित जी ने उनकी महिमा का गान किया, तो महाराज जी कहते हमने पंडित जी के मुख से सुना, सुना तो पहले भी था लेकिन कभी साक्षात मिलने का अवसर नहीं मिला था। तो कहते ऐसा भाव जगा कि हम यहीं गिरिराज जी महाराज जी विराजते थे, तो महाराज यहीं से सीधे गोरखपुर चले गए गीता वाटिका, और वहां गोरखपुर पहुंचे, ट्रेन में कोई रिजर्वेशन तो क्या है, जनरल टिकट लेकर के पहुंच गए। महाराज तो जनरल से ही चलते थे प्राय, तो महाराज जी वहां पहुंच गए, और पहुंच गए तो वहां गीता वाटिका के द्वार पर पहुंचे तो वहां पता चला कि बाबा तो उनकी भिक्षा का समय है, फिर थोड़ा विश्राम करेंगे, अभी मिलने का समय बाबा का नहीं है, किसी ने कह दिया होगा। तो महाराज तो बहुत संकोची तो थे ही महाराज जी, महाराज जी वहीं बैठ गए, दरवाजे पे ही बैठ गए, बोले जब उठेंगे तब दर्शन हो जाए। और बाबा भिक्षा के लिए पधारे तो भिक्षा पे ना बैठ के टहलते हुए स्वयं द्वार पे आ गए बाबा। कहिए प्रभु कैसे आए हैं? महाराज जी ने प्रणाम किया, यही राधा बाबा हैं। बोले आपके दर्शन के लिए आए हैं, तो भोजन प्रसाद पाएंगे? बोले हाँ पाएंगे। साथ ले गए, वहीं बिठा के प्रसाद पवाया, और प्रसाद पाके, और महाराज जी प्रसाद पाके, महाराज जी कहते हमारा काम हो गया था, दर्शन हो गए, बाबा से मिलना हो गया, और प्रसाद पाके फिर और कहीं नहीं गए, सीधे स्टेशन आ गए, और जो भी गाड़ी मिली, और महाराज फिर बनारस कहां कहां होते हुए महाराज जी फिर वृंदावन। सूक्ष्म जगत में इन सिद्ध महापुरुषों को परस्पर एक दूसरे का परिचय प्राप्त होता है, वहां किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। पूज्य बाबा जब गिरिराज जी में पंडित जी का दर्शन करने पधारे तो बातचीत नहीं भई, बस पंडित जी ने बाबा को देखा और बाबा ने पंडित जी को देखा, एक टकटकी लगाकर देखा और आंखों आंखों में बातचीत हो गई। बाबा ने पंडित जी को समझ लिया और पंडित जी ने बाबा को समझ लिया। ऐसे एक दृश्य का अनुभव करने का सौभाग्य हमको मिला है। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे, सौराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे, 106 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, और अंतिम क्षण तक वो ऐसे विरक्त रहे, एक फूस का छप्पर भी उन्होंने नहीं डाला, न कोई संग्रह परिग्रह किया। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज उनके प्रति बहुत आदर भाव रखते थे, गुरु भाव गुरुवत भाव रखते थे उनके प्रति, बहुत अच्छे संत थे, दास के ऊपर बहुत कृपा थी।
बहुत स्नेह था, हमको चाहे जब बुला लेते थे केवल सत्संग के लिए। और महाराज जी सत्संग की वैसी मर्यादा या तो हमने श्री राम सुखदास जी महाराज के यहां देखी या उनके यहां। जैसे बड़ौदा में सत्संग हुआ नवयोगेश्वर संवाद पे, तो 3 बजे से कथा होती तो संपूर्णानंद जी महाराज 2:30 बजे बैठ जाते और विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुरू हो जाता, और जब वो पहले आकर बैठ जाते तो हमको भी पहले आकर बैठना पड़ता, हम फिर लेट लपेट नहीं होते, हम भी 3 बजे से 1-2 मिनट पहले ही आके मंच पे बैठ जाते, बड़ी मर्यादा थी। तो वे सुरेंद्र नगर में तपोवन एक जगह थी, वहां थे, वहां हमारा सत्संग चल रहा था और पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज भी वहां पधारे, तो सत्संग में ही महाराज जी आ गए और बाबा संपूर्णानंद जी महाराज तो थे ही। तो अब सत्संग के बाद दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ बाबा, तो महाराज जी को भी कुछ लोग पकड़े थे, महाराज जी का शरीर शिथिल था, झुके हुए थे महाराज जी। ये बात सन हम समझते हैं कि सन 2004 की या 5 की होगी, बात अनुमान है 4 या 5 की बात होगी। और संपूर्णानंद जी भी वृद्ध थे, वो भी सहारा लेके चलते थे, और महाराज जी तो विनम्रता की मूर्ति, महाराज जी देखते ही एकदम झुक गए, जमीन में मस्तक रख दिया, और संपूर्णानंद जी भी लोग उनको पकड़े थे एक झटके में नीचे आ गए और उन्होंने भी अपना मस्तक भूमि पर रख दिया। अब दोनों महात्मा भूमि पर मस्तक रखे, देर तक रखे रहे, फिर उठ के खड़े हुए, महाराज जी ने उनकी ओर देखा एकदम विह्वल हो गए, और उन्होंने महाराज जी की ओर देखा और विह्वल हो गए, बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे, बाद में महाराज जहां रुके थे वहां चले गए और संपूर्णानंद जी महाराज मेरे कंधे पर हाथ रखे थे, वो हम उनको उनकी कुटिया तक लेके गए। तो रास्ते में उन्होंने हमसे कहा, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, 3 बार कहा। और फिर बोले, ऐसे गुण तो नारायण में ही संभव है, महाराज जी के लिए कहा। आज जब आसन पर बैठ गए, हम कुछ नहीं बोल रहे, आसन पर बैठ गए तो बोले कि संपूर्णानंद झूठ नहीं बोलता है, ये साक्षात नारायण है। फिर हमसे बोले कि हम कई बार अपने मन में सोचते थे कि आपका कोई विशेष साधन तो हमको दिखाई नहीं पड़ता, और सही बात है, छटाक भर आटा खा सके ऐसा भी साधन नहीं है, साधन के नाम पे तो भार हैं हम धरती के, कोई साधन नहीं बनता, भूल से भी कोई साधन नहीं बनता। तो संपूर्णानंद जी ने कहा, हम देखते हैं कि साधन तो कोई विशेष साधन आपका दिखाई नहीं पड़ता, पर कई बार तो इतनी गंभीर बातें बोल जाते हैं जो कई जन्मों की तपस्या साधना के बाद समझ में आवे। तो हम मन में सोचते, आयु भी कम है, शायद बहुत अधिक ज्ञान भी नहीं है, तप भी नहीं है, फिर ये इतनी गंभीर बातें, ऐसी सूक्ष्म अध्यात्म की अनुभूति की बातें कैसे कह जाते हैं। बोले, मैं ये अनुभव करता था, आज उसका उत्तर मिल गया, आपके ऊपर सद्गुरु भगवान की कृपा है। और गोष्ठ में बैठकर हम कह रहे हैं, हम जो कुछ बोलते हैं श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से बोलते हैं, हमारे अपने में एक अक्षर का ज्ञान हमको नहीं है। पंडित लोग खूब समझते होंगे कि बिल्कुल मूर्खाधीराज है, ठीक से पढ़े ही नहीं, जैसे पढ़ना चाहिए था वैसे नहीं पढ़े, और उसकी कोई ग्लानि भी नहीं है कि हम पढ़े क्यों नहीं। प्रसन्नता इस बात की है कि श्री गुरुदेव भगवान ने कृपा पूर्वक अपने चरणों में आश्रय दिया, बस जो कुछ है उनकी चरण रज, उनका चरण जल, उनका अधरामृत प्रसाद, उसी की महिमा है।
पूज्य बाबा श्री राधा बाबा ने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को समझा, पूज्य भाई जी को समझा, और भाई जी ने बाबा को समझा कि बाबा क्या चीज है, ये भाई जी ने समझा। नहीं तो महाराज बोले नया आदमी तो ये समझे ही नहीं कि ये महात्मा सिद्ध हैं, रसिक हैं, प्रेमी हैं, भगवत दर्शन प्राप्त, कुछ नहीं समझा, ऐसे महात्मा। क्योंकि सदा रहे अपन पौधुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। महात्माओं का स्वभाव आत्म संगोपन का होता है, वे अपने को प्रकट नहीं करते, वे अपने को छुपाते हैं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहा करते थे कि थोड़ा ही अंतर आया है, ज्यादा अंतर नहीं आया। पहले के महात्मा अपने को छिपाते थे, अब इकार हट गया, अब छपाते हैं। पहले छिपाते थे, अब छपाते हैं, पूज्य मामा जी कहते थे। तो जो अपने को छिपाना चाहता है उसको कोई प्रकट नहीं कर सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज श्रद्धेय स्वामी श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी के संबंध में कहा करते थे, महाराज जी कहते थे लोग उनकी महिमा नहीं जानते हैं, वे महान प्रेमी संत हैं, उन्होंने अपने आप को छिपा रखा है। ये अनेकों बार महाराज जी के मुख से हमने सुना। रामायणी जी का स्मरण करके महाराज जी गदगद हो जाते थे। इससे हमको लगता है बाबा कि संत को संसारी नहीं पहचान सकते, संत को संत ही पहचानते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ने अपने आप को छिपा लिया कैसे, बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं मैत्रेय जी। विज्ञाय निर्विद्य गतम पतिम प्रजा पुरोहिता मात्य सुहृद गणादय विचिक्युरुर्व्या मतिशोक कातरा यथा निगूढ़ पुरुषम कुयोगिनः। कहते हैं जैसे कुयोगी मनुष्य, योग के रहस्य को न जानने वाला मनुष्य परमात्मा को खोजने की का उपाय करता है, किंतु भगवान को प्राप्त करने की कुयोगी कौन है, जिसको भगवान को प्राप्त करने की पद्धति मालूम ना हो वही कुयोगी है। तो कहते जैसे कुयोगी पुरुष मनमाने ढंग से साधन करता है और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो बाद में एक तरफा घोषणा कर देता कि अरे सब झूठ है, लोगों ने पेट भरने के लिए बना रखा है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा भी कर देता है। इसी के लिए हमें भगवत प्राप्ति का एक निश्चित पथ प्राप्त हो, इसी के लिए किसी भगवत प्राप्त संत का आनुगत्य अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। पूज्य पंडित जी महाराज के वचन हैं कि यही जीव साधक याई जन्म में अपनो परम कल्याण चाहे तो काऊ संत के प्रेमी संत के हाथन में अपने आप को बेच दे, न्योछावर कर दे, यही जीव के कल्याण का साधन है। हमने श्री राधा बाबा का दर्शन तो नहीं किया, पर श्री राधा बाबा की अंतिम क्षण तक जिनसे सेवा बनी है, ऐसे गणपत बाबा को देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आज सवेरे बाबा ने कहा कि बाबा जब निकुंज गमन कर रहे थे तब हम उनके चरणों में ही थे। निश्चित ही ये शरीर बहुत दिव्य है, जीवन सफल है, ऐसे संत की सन्निधि मिली और पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज की भी सेवा का अवसर मिला।
जीवन में किसी सत्पुरुष की सन्निधि मिले, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। जब भगवान जीव का कल्याण चाहते हैं तब उसे सत्पुरुष की सन्निधि मिलती है। अब तो महाराज फिर से भयंकर विप्लव हो गया, हाहाकार मच गया, क्योंकि भले ही राजा बेन दुष्ट था, भले ही बेन दुष्ट था और महाराज थे तो कम से कम फिर भी कुछ शासन बना हुआ था। अब राजा चले गए तो अराजकता फैल गई, चोरी डकैती का उपद्रव बढ़ गया, हाहाकार हो गया। तो उस समय मंत्रियों ने कहा कोई बात नहीं है, देखो भृगु आदि ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं है, यदि राजा नहीं होगा तो यह समाज पशु के जैसा हो जाएगा, अभी तक तो इसके कंधे पर भार नहीं था शासन का, इसलिए बचपना कर रहा था, पर इसके कंधे पर जैसे ही शासन का भार आएगा तो सुधर जाएगा। बोलो, बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई ज्यादा उपद्रव करता ब्याह कर दो इसका, ठीक हो जाएगा, ग्रस्त में लोग कहते हैं। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी कहते, विद्यार्थी उनके यहां रहते थे, महाराज सबको डांट के रखते थे, साधु विद्यार्थी कोई हो बड़े अनुशासन में रखते थे, तो कहते ए मटक के इधर उधर चल पड़े, अभी खुर गुल छर्रे उड़ा लो, जब नौनते लकड़ी के चक्कर में पड़ोगे तो सब खबर पड़ जाएगा। तो एक कथा सुनाते थे महाराज के, चार भाई थे तो उनमें सबसे छोटा था वो कवि था, कविता करता था, और घर में कोई काम नहीं करे, ना खेत पे जावे ना कुछ करे, खाली कविता करे, वो खाए बढ़िया बढ़िया, और कोई काम नहीं करे, कविता कवि कविता करे, लोग तालियां बजा, बोले वाह वाह बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। पिताजी पधार गए और छोटे भाई ने अपनी आदतें सुधारी नहीं, तो बड़े भाई ने और सबने मिलके कहा इसका ब्याह कर दो, हिस्सा दे दो इसको, तो ब्याह करके उसको अलग हिस्सा दे दिया। अब जब उसके ऊपर भार पड़ा कि अब तो कमाएंगे तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे, खेती में मेहनत करनी पड़ेगी, तो अब बेचारा जब भार पड़ा उसके ऊपर तो सब भूल गया। तो एक कवि सम्मेलन हुआ, उस कवि सम्मेलन में उनको बुलाया गया, करे भाई आप एक हमारे यहाँ की निधि हैं, गौरव हैं, आपने आखिर कविता करना क्यों बंद कर दिया, आज तो आपको कविता पाठ सुनाना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है, हमें फुर्सत तो नहीं है क्योंकि फसल कट रही है, नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बुलाया है तो हम कुछ कह देते हैं। तो उस कविता, उस कवि ने कविता पाठ किया, भूल गए राग रंग भूल गए चौकड़ी, तीन चीज याद रही नौन तेल लाकड़ी। राग रंग सब भूल गए और चौकड़ी भरते थे वो भी भूल गए, अब तीन ही चीज याद रह गई, नौन तेल लकड़ी और चौथी चीज सब भूल गई। तो कोई बात नहीं, जब ये राजा बन जाएगा, भार पड़ेगा तो उपद्रव भूल जाएगा, फिर तो व्यवस्था करेगा, बोले तब ठीक है ऐसे ही करो। तो सुनीता को बता करके और बेन को गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया, भृगु आदि ऋषियों ने किया, भृगु आदि ऋषियों ने इसको गद्दी पर विराजमान किया। महाराज विधि पूर्वक इसका राज्याभिषेक संपन्न हुआ, और जब संपन्न हो गया राज्याभिषेक तो उसका तुरंत प्रभाव हो गया, श्रुत्वा नृपासनगतम बेन मत्युग्रशासनम निल्युर्दस्वस्सद्या सर्वत्रस्ता इवा खवः। कहते जैसे सर्प के भय से चूहे छुप जाते हैं, ऐसे ही महाराज इसके गद्दी पर बैठते ही चोर डकैत सब भूमिगत हो गए, सब छिप गए एकदम, क्योंकि सब जानते हैं बहुत दुष्ट है ये, बिल्कुल रियायत नहीं करेगा, दंड देगा तो एकदम फिर समूल नष्ट ही कर देगा, इसलिए एक बार तो शांति आ गई। कहते हैं कि वो आठों लोकपालों का तेज धारण करता था बेन, इसलिए उस शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, उसने दुरुपयोग किया, उस देव शक्ति को प्राप्त करके वह अत्यंत उद्दंड हो गया, स्तब्ध हो गया। निरंकुश एवं द्विपहा